हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन। तो पहले मैं कर रही हूँ एम कैफेन का कॉफ़ी फेस वॉश। तो ये मिनी वाले फेस वॉशेज हैं, तो इससे हम अच्छे से फेस वॉश कर लेंगे। काफ़ी थिक क्या ये जेल फॉर्म में है, अच्छा है। एंड ये इंस्टेंट आपकी स्किन में ब्राइटनप ले आएगी, स्किन को एकदम से ब्राइट कर देगी और आपको फ्रेश लगेगी। इसको अच्छे से मसाज करना है 30-40 seconds एंड इसको हम वॉश कर लेंगे। तो अभी फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे इसको पैड ड्राई। तो पैड ड्राई करने के बाद हम करेंगे सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप है हमारा एम कैफेन का ही कॉफ़ी फेस स्क्रब। तो हम इसको लेंगे अपने पाम के ऊपर एंड इसको अच्छे से आपको अपने फेस पे लगाना है। एंड इसके बाद हमें करना है इसको 2-3 minutes स्क्रबिंग। तो आपको सर्कुलर मोशन पे स्क्रबिंग करनी है। अब बाकी आप स्टेप्स देख लेना कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से 2-3 minutes के लिए हमें मसाज देने लाइट हैंड से। अब हम करेंगे इसे अच्छे से वॉश। वॉश करने के बाद हम करेंगे पैड ड्राई। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप है हमारा एम कैफेन का ही फेस मास्क। तो इसको हम अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। बहुत बढ़िया है ये फेस मास्क, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड कॉफ़ी है इसमें, रॉ कॉफ़ी है, थोड़ी सी थिक है, लाइक जेल फॉर्म में ही है इसका स्क्रब भी, फेस वॉश भी एंड ये मास्क भी। अब हम इसे करेंगे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई। आपको ये जो फेस मास्क है कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। पाउडर फॉर्म में होते हैं ना फेस मास्क, उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो क्ले फॉर्म में होते हैं या फिर टब में आते हैं तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता। एज इट इज़ आपको अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। आप अपने फेस के साथ साथ इसको नेक पे भी अप्लाई कीजिएगा एंड इसको आप 10-15 minutes के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। आपको इसे ओवर ड्राई नहीं करना है, आपको 80% इस पैक को ड्राई होने देना है, फिर आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। वॉश आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन को सिर्फ मतलब कि हल्का सा पानी लगाना है वाटर एंड उसको अच्छे से मसाज करते हुए आपको अपने पैक को रिमूव करना है। अब हम अच्छे से इसको एक थिक लेयर लगा लेंगे अपने फेस पर और नेक पर भी लगा लेंगे। नेक को अवॉइड नहीं करना आपको पैक लगाते हुए।
से कम आपको 10 to 15 minutes के लिए इसको रखना है, फिर आप इसे वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप इसे पैड ड्राई करना है, आपको अच्छे से पैड ड्राई हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर एंड फ्रेश फील करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।